Hi learners, welcome to the channel. In this video, we will discuss AVL tree. So AVL tree is one of the most important and widely used type of tree. So in this video, we will discuss the introduction and the basic representation of AVL tree. So let's start. AVL is a height balancing binary search tree in which each node is associated with a balance factor. As its basic definition implies, it is a height balancing binary tree. That means it is a type of binary search tree jo ki majorly focus karta hai iski height pe. Height here means the number of nodes to the left side or to the right side. Okay? So tree is said to be balanced if balance factor of each node is in between -1 to 1. ठीक है, सो बैलेंस्ड ट्री तभी बोला जाता है अगर उसका बैलेंस फैक्टर जो है, यानी कि नोड्स का बैलेंस फैक्टर जो है, इज इन बिटवीन -1 to 1. अदरवाइज द ट्री विल बी अनबैलेंस्ड एंड नीड टू बी बैलेंस्ड. इफ बैलेंस फैक्टर ऑफ एनी नोड इज 1, इट मीन्स दैट द लेफ्ट सब ट्री इज 1 लेवल हायर देन द राइट सब ट्री. ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह की डेफिनेशन से. इफ बैलेंस फैक्टर ऑफ एनी नोड, हियर वी हैव मल्टीपल नोड्स, राइट? दिस इज द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट साइड, एंड दिस इज द लेफ्ट साइड, एंड दिस वन इज द root node. Okay, if the balance factor of any node is 1, it means that the left subtree is 1 level higher than the right subtree. To kya hoga ki left subtree ka jo hai ek level higher hoga. Agar isme level 0, this is level 1. Okay, and yahan pe kya hai, level 0, level 1 and level 2. Okay, left side pe hamare paas kya hai, 3 levels hai, and right side pe only we have 2 levels. तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 1 होगा. नेक्स्ट इज, इफ बैलेंस फैक्टर ऑफ एनी नोड इज 0, इट मींस दैट लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री कंटेन्स इक्वल हाइट. 0 के केस में हम बोल सकते हैं कि ये रूट नोड है, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड. ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे इक्वल है दोनों, ठीक है, दोनों का लेवल इक्वल है, तो उस केस में बैलेंस फैक्टर जो है वो होगा 0. अगर लेफ्ट साइड में एक और हम ऐड कर दें तो बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 1. ठीक है, इफ द बैलेंस फैक्टर ऑफ एनी नोड इज -1, इट मींस दैट द लेफ्ट सब ट्री इज 1 लेवल लोअर देन द राइट सब ट्री. ठीक है, तो अगर इस तरह से मान लीजिए कि राइट साइड का जो लेवल है एक लेवल हायर है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा नोड ऐड हुई है लेफ्ट राइट साइड पे, तो वहां पे बैलेंस फैक्टर क्या होगा, वहां पे बैलेंस फैक्टर होगा -1. तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इफ द बैलेंस फैक्टर इज गिवन 1, ठीक है, तो बैलेंस फैक्टर अगर 1 होगा तो वो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर वी हैव अ बैलेंस्ड एवीएल ट्री. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, लेवल 0 है तीनों का, राइट? नॉट बैलेंस्ड. ठीक है, नॉट बैलेंस्ड यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड पे फोकस किया हुआ है. ठीक है, इन द सेकेंड ट्री, इन दिस ट्री द लेफ्ट सब ट्री ऑफ सी हैज हाइट 2. सी की हाइट 2 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. ठीक है, इट्स हाइट इज 2 एंड द राइट सब ट्री की हाइट यहाँ पे 0 है, क्योंकि राइट साइड पे कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है. सो द डिफरेंस इज ऑफ नंबर 2. ओके, एंड इन दिस थर्ड ट्री द राइट सब ट्री ऑफ ए हैज हाइट 2. ए इज अ रूट नोड एंड इसकी हाइट जो है राइट साइड पे है 2, एंड लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू है 0. ठीक है, सो द डिफरेंस इज अगेन ऑफ द वैल्यू 2. सो एवीएल ट्री क्या करता है, एवीएल ट्री परमिट्स डिफरेंस यानी कि बैलेंस फैक्टर टू बी ओनली 1. ठीक है, यहाँ पे 0 फैक्टर है, वो भी अलाउड नहीं है, सॉरी वो अलाउड है. एंड ए की तरफ पे अगर फोकस किया जाएगा कि इस तरफ का बैलेंस 2 है, इस तरफ का बैलेंस 0 है, सो दैट इज नॉट बैलेंस्ड बाइनरी एवीएल ट्री. ओके, एंड इसमें इस तरफ 0 बैलेंस है एंड इस तरफ क्या है, 2 बैलेंस है. तो बैलेंस फैक्टर को फाइंड आउट करने का एक बेसिक फॉर्मूला है, बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट साइड. हाइट ऑफ लेफ्ट साइड हेयर इज 2 एंड माइनस हाइट ऑफ राइट साइड. हाइट ऑफ राइट साइड हेयर वी हैव इज 0. तो 2 माइनस 0 विल बी
जीरो, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा यानी कि बैलेंस फैक्टर हो जाएगा टू. ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल. यहाँ पे एक गिवन एवीएल ट्री है एंड वी कैन सी दैट बैलेंस फैक्टर एसोसिएटेड विद ईच नोड इज इन बिटवीन वन माइनस वन एंड वन. ठीक है, यानी कि प्लस वन. तो जितने भी हैं देख सकते हो यहाँ पे वन है, माइनस वन, जीरो, 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 जीरो. ठीक है, इस तरह से जो भी है यानी कि ये क्या है, बैलेंस्ड एक एवीएल ट्री है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज माइनस वन एंड वन के बीच में एग्जिस्ट करती है. तो इन वैल्यूज को कैसे चेक किया जाएगा वो मैं इस डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को बताती हूँ. सो 100 इज द रूट नोड. तो अगर हम 100 की बात करें तो 100 के लेफ्ट साइड पे इसकी क्या हाइट है, वन, टू. तो हाइट है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टू. एंड 100 के दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसकी हाइट कितनी है, टू है. ठीक है, ये हम अगर मेजर बात करें तो इस तरह से है, बट ये जो प्रोसेस है वो गलत प्रोसेस है. कभी भी सिर्फ एक्सटर्नल नोड्स को चेक नहीं करना है, हमेशा हमें क्या चेक करना है कि लेफ्ट साइड का लेवल क्या है या फिर हाइट क्या है. तो दिस इज स्टेप वन, दिस इज स्टेप टू, दिस इज स्टेप थ्री. ओके, सो लेफ्ट साइड पे थ्री वैल्यूज है हमारे पास एंड राइट साइड पे ओनली वन एंड टू. ठीक है, हम अगर इस तरफ को विजिट करते 100 के बाद 50, तो 50 से 25, बट 25 के आगे कुछ भी नहीं है, बट इसी लेवल पे 75 भी है हमारे पास, तो वी कैन ऐड दिस वैल्यू, राइट. तो इस तरह से इस तरफ का लेवल हो गया 3 एंड 2. सो बैलेंस फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री की हाइट. सो 3 माइनस 2 विल बी 1. ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग सब ट्री की बात करते हैं, इस वाले सब ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे रूट नोड वी हैव इज 50. तो 50 के इस तरफ वी हैव हाइट ओनली 1 एंड इस तरफ 1 एंड 2. ओके, सो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 एंड जो इसकी रेंज है वो हमेशा होनी चाहिए माइनस 1 टू प्लस 1. ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग सब ट्री लेकर चले, इसकी दोनों तरफ कुछ भी नहीं है वैल्यूज, तो यहाँ पे इसकी हाइट क्या होगी, इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, जीरो होगा. नेक्स्ट सब ट्री वी हैव इज दिस. ओके, सो इन दिस सब ट्री वैल्यू इज वन, हाइट इज वन लेफ्ट साइड पे भी एंड हाइट इज वन राइट साइड पे भी. सो वन माइनस वन विल बी जीरो. इस सब ट्री में भी सेम प्रोसेस रहेगा, एक ही हाइट, मतलब सिंगल नोड कनेक्टेड है इस तरफ भी एंड सिंगल नोड कनेक्टेड है राइट साइड पे भी. सो वन माइनस वन विल बी जीरो. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड एवीएल ट्री. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी स्टेप. थैंक यू सो मच.